बल्केश्वर स्थित संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में 8 मार्च मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आगरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया। आज संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में त्रिशक्ति के रूप में 3 महिलाओं को आगरा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ये संस्थान का 3रा कार्यक्रम है। हम 3 वर्ष से इस कार्यक्रम को लगातार कर रहे हैं। इसमें एक बुजुर्ग महिला जो 85 वर्ष की हैं, जो जिनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना पूरा भरण पोषण करते हुए अपने परिवार को इवन 10 महिलाओं को भी उन्होंने रोजगार दिया, तो बच्चों को प्रेरणा देते हुए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, मान करता आ रहा है, जिसमें आज हम लोगों ने 3 महिलाओं को बुलाया है जो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग पहचान बनाई हुई है उन्होंने। इसमें एक रोटी वाली अम्मा जी हैं जो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा फेमस हुई। उन्होंने ना केवल खुद को संभाला पति की मौत के बाद, बल्कि आज वो कम से कम 3 या 4 लोगों को रोज़गार भी दे रही हैं। इसके बाद निधि जैन हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में अपनी एक पहचान बनाई हुई है, और नम्रता मिश्रा जी जो एक एडवोकेट हैं, उनकी भी बहुत पहचान है। तो ये एक परंपरा है, हमारा महिलाओं का महाविद्यालय है, तो हम महिलाओं का सम्मान कर इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बच्चों के अधिकारों के लिए, महिलाओं के और पुरुषों के भी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती हूँ और जागरूकता फैलाती हूँ। देखिए, महिलाओं को मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप पहले से ही सशक्त थे, आप कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो और हमेशा स्ट्रांग रहोगे। अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो, अपने पर विश्वास रखो, और अब समय आ गया है कि जो पुरुषवादी समाज है वो महिलाओं के अस्तित्व को पहचाने, और जो है हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना कीर्तिमान ऑलरेडी स्थापित करा हुआ है, तो महिलाओं के साथ इक्वल व्यवहार करें, महिलाओं को सम्मान दें, और जो है महिला और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जो है अपनी जो है ज़िंदगी निर्वाह करें और समाज को भी अच्छा बनाएं।